i am Sameer avasti uh, associate professor from department of computer science and engineering uh, from babu banarasi das northern india institute of technology lucknow uh, today i am going to teach you object oriented system design and my topic is conceptual model of uml uh, what is conceptual model of uml means a conceptual model can be defined as a model which is made of concept and their relationship. A conceptual model is the first step before drawing an UML diagram. It helps to understand the entity in the real world and how they interact with each other. An UML describes the real system. It is very important to make conceptual model and then proceed gradually. So first of all, we have conceptual model. Banana hai. Then after proceed karna hai UML diagram. Ke liye. तो यू एम एल डायग्राम बनाने के लिए कंसेप्चुअल मॉडल का रोल क्लियर है कि इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट विदाउट दिस हम यू एम एल डायग्राम नहीं बना सकते तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसेप्चुअल मॉडल यू एम एल के लिए अच्छा द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यू एम एल कैन बी थ्री एलिमेंट कैन बी अ पार्ट कैन बी हैव थ्री मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट मीन्स यू एम एल बिल्डिंग ब्लॉक रूल्स टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ यू एम एल बेसिकली क्या होता है कि ये जो तीन पार्ट है अगर आपको कंसेप्चुअल मॉडल क्रिएट करना है तो इन तीन पार्ट के लिए ये जो तीन पार्ट है इनको यूज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस यूएमएल बिल्डिंग ब्लॉक ओके दिस ये आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे यूएमएल बिल्डिंग ब्लॉक रूल टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक एंड कॉमन मैकेानिजम ऑफ यू एम एल ये कंसेपचुअल मॉडल यू एम एल के लिए आपको तीन बातें याद रखनी है समझ लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक कैसे तैयार होता है क्या रूल्स हैं कैसे आप बिल्डिंग ब्लॉक को बनाएंगे और कॉमन मैकेानिज़म क्या है यू एम एल के लिए ना नो द यू एम एल बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है उसके लिए यू के पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के लिए भी एक एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके लिए कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यू कैन बी डिफाइंड बाई यूजिंग दीज थ्री थिंग्स मीन फर्स्ट फर्स्ट इज द थिंग्स सेकेंड वन इज द रिलेशनशिप एंड थर्ड वन इज़ द डायग्राम यू को बनाने के लिए यू एम बिल्डिंग ब्लॉक के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप कह सकते हो थिंग्स रिलेशनशिप एंड डायग्राम फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वट डू मीन बाई थिंग्स एज आई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यू इन माई प्रीवियस स्लाइड थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यू एम एल अब ये जो थिंग्स हैं इट कैन भी स्ट्रक्चरल इट कैन भी बिहेवियल इट कैन बी ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ग्रुपिंग एनोटेशनल कुछ भी हो सकता है थिंग्स में चारों पार्ट चारों चीज़ें आती हैं इनको मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ग्रुपिंग और एनोटेशनल को रिलेशनशिप क्या है नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज द रिलेशनशिप थिंग्स के बाद रिलेशनशिप आया था देखिए दिस इज द थिंग्स थिंग्स देन रिलेशनशिप नाउ वॉट इज वट यू मीन बाई द रिलेशनशिप रिलेशनशिप इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यू एम एल इट शोज हाउ द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं इसके लिए एक रिलेशनशिप है जो बताता है कि किस तरीके से डिपेंडेंसी होगी इनको आपस में कनेक्शन किस तरीके से कनेक्ट है आपस में इट्स सो हाउ द एलिमेंट आर एसोसिएटेड विद द इच अदर एंड द एसोसिएशन डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन आर फोर काइंड ऑफ देयर आर फोर काइंड ऑफ रिलेशनशिप अवेलेबल मीन्स डिपेंडेंसी एसोसिएशन जर्लाइजेशन एंड रियलाइजेशन आर द फोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप अब बात करते हैं यू एम एल डायग्राम एज आईव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर दाइन बेसिकलीज आर द नाइन डाइग्राम एंड यू हैव टू स्टडी दीज ऑल दीज नाइन डायग्राम इन ऑर्डर टू मेक आम यू एम एल डायग्राम कौन कौन से नाइन डायग्राम है सबसे पहले क्लास डायग्राम है क्लास डायग्राम की बात हो चुकी है और मैं एक बार फिर से एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा Class diagram, object diagram, use case diagram, then sequence diagram, collaboration diagram, activity diagram, state heart diagram, deployment diagram, and component diagram. These are the total 9 diagram used in UML diagrams. UML diagram basically we can divide UML diagram further into two sub uh, type. मीन्स हम इसको ब्रॉड सेंस में अगर डिवाइड करें सब uh, कैटेगरी में तो देर टू कैटेगरी मीन्स स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल अब ये जो नाइन डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं ये टोटल नाइन इनमें से कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम है कुछ बिहेवियरल डायग्राम है तो इन सब की कैटेगरी में हम डिफाइन कर लेंगे स्ट्रक्चरल डायग्राम द स्ट्रक्चरल डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेटिक आस्पेक्ट जैसे अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू हम स्टैटिक पोर्शन को डिफाइन करते हैं दीज स्टैटिक एस्पेक्ट रिप्रेजेंट दो पार्ट ऑफ डायग्राम विच फॉर्म विच फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर एंड देयर फोर स्टेबल ये मेन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं इसीलिए स्टेबल कहलाते हैं दीज स्टैटिक पार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेज इंटरफेसेज ऑब्जेक्ट कॉम्पोनेंट एंड नोट स्ट्रक्चरल डायग्राम कौन कौन से होते हैं ये जो मैंने टोटल आपको दिखाया है ये टोटल नाइन डायग्राम थे इनमें से स्ट्रक्चरल डायग्राम कौन कौन से हैं देखिए दीज फाइव आर नोन एज दीज फोर नोन एज द स्ट्रक्चरल डायग्राम अब क्लास डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम कॉम्पोनेंट डायग्राम डिप्लॉयमेंट डायग्राम पैकेज डायग्राम आर स्ट्रक्चरल डायग्राम एंड दीज फाइव टाइप्स आर नोन एज बिहेवियरल डायग्राम तो बिहेवियरल डायग्राम क्या होगा बिहेवियरल डायग्राम बेसिकली कैप्चर द डायनेमिक आस्पेक्ट तो दो तरीके का बिहेवियर होगा एक स्टेटिक बिहेवियर हो गया और दूसरा बिहेवियर किस टाइप का हो गया डायनेमिक बिहेवियर तो स्टेटिक बिहेवियर के लिए हमें स्ट्रक्चरल डायग्राम मिल गया और डायनेमिक बिहेवियर के लिए हमें डायनेमिक ये बिहेवियरल डायग्राम मिल गया एंड इन द केस ऑफ बिहेवियरल डायग्राम यू एम एल हैज द फॉलोइंग फाइव टाइप ऑफ बिहेवियरल डायग्राम यूज केस सिक्वेंस कोलेब्रेशन स्टेट चार्ट एंड एक्टिविटी क्लास डायग्राम क्लास डायग्राम मॉडल क्लास डायग्राम मॉडल द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द स्टेटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन इट कैप्चर द की एबस्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम एट द फर्स्ट लेवल एंड इज लेटर रिफाइंड विद द डिटेल ऑफ एवरी एब्सट्रैक्शन फॉर रेफरेंस क्या मतलब हुआ क्लास डायग्राम हम क्रिएट करते हैं और क्लास डायग्राम क्लास इज एन एब्सट्रैक्शन जैसे क्लास की डेफिनेशन भी आपको पता होगी तो क्लास इज एन एब्सट्रक्शन तो यहाँ पे ये एबस्ट्रैक्ट व्यू हमें प्रोवाइड करता है क्लास भी बेसिकली एब्रैक्ट व्यू ही प्रोवाइड कराती है हमें क्लास के थ्रू हम यहाँ ये तो क्लास डायग्राम मॉडल द एनालिसिस एंड डिजाइन द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन स्टैटिक व्यू हमें प्रोवाइड करा रहा है इट कैप्चर द की एबस्ट्रेक्शन ऑफ द सिस्टम एंड एट द फर्स्ट लेवल जो की एब्सट्रैक्शन है उसको फर्स्ट लेवल पे कैप्चर करके हमें डिफाइन कराता है क्लास डायग्राम नाउ क्लास डायग्राम से हमें और क्या क्या हम समझ सकते हैं अ क्लास डायग्राम डिपिक्ट क्लासेज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप अगर मेरे पास दो क्लास डायग्राम होंगे तो हम उस क्लास के बारे में पता होगा उस क्लास में कौन कौन से वेरिएबल हैं फंक्शनैलिटी हैं वो हम उस क्लास डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास डायग्राम डिपिक्ट क्लासेज एंड देयर इंटर देयर इंटर रिलेशनशिप क्लासेज के और क्लास और उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप को भी क्लास डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं क्लास डायग्राम्स आर

इट यूज टू ट्रांसलेट द मॉडल इन टू प्रोग्रामिंग कोड यहाँ से ही हम अपने प्रोग्राम जो मॉडल है उसको प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है नाउ रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर हाउ वी रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर यूजिंग स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम मीन्स ये जो है, आपका है क्लास डाइग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल पार्ट मीन्स स्टेटिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम क्लास डाइग्राम आर ऑल्सो यूज फॉर रिक्वायरमेंट कैप्चर एंड यूजर इंटरेक्शन डिटेल्ड क्लास डायग्राम आर यूज फॉर डेवलपर्स जो डेवलपर्स हैं एंड उनके लिए हम क्या करेंगे डिटेल क्लास डायग्राम प्रोवाइड कराते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप देयर आर टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इज द जर्नलाइजेशन एंड द सेकेंड इज द एसोसिएशन जर्नलाइजेशन इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लाइक जनरलाइज करके हम अभी हम देखेंगे हम यूमेल डायग्राम में जनरलाइजेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से शो करते हैं एंड एसोसिएशन इज बेसिकली स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंड रोल इन द कोर्स ये क्या हो गया ये एसोसिएशन को बता रहा है वहाँ पे कि कोई स्टूडेंट है वो किसी कोर्स में स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट इज अ क्लास एंड कोर्स इज अनदर क्लास स्टूडेंट एंड रोल इन दैट क्लास दैट कोर्स कोई स्टूडेंट है सपोज करिए मेरे पास एक है स्टूडेंट दैट इज रोहित रोहित ये है रोहित इज ए स्टूडेंट मैंने इसको एक यहाँ पे क्लास में डिफाइन किया रोहित एनरोल एसोसिएशन क्या है इसका एनरोल इन अ कोर्स किस कोर्स में एनरोल्ड है सपोज कि ये बी टेक कर रहा है बी टेक तो देन ये यहाँ पे एसोसिएशन क्या बताता है एसोसिएशन का एग्जाम्पल क्या हो गया लाइक स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स इस तरीके से जबकि जनरलाइजेशन में हम क्या करेंगे इट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करना हो तो हम जनरलाइजेशन के थ्रू शो करेंगे एसोसिएशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एसोसिएशन को हमें और डीपली बताना है तो एग्रीगेशन या कंपोजिशन के थ्रू भी हम बताते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप एसोसिएशन में लाइक रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंस ऑफ द क्लास अब इंस्टेंस ऑफ अ क्लास क्या हुआ Insta कोई भी क्लास है उसका जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो मींस उसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम उससे कहेंगे कि मैंने इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करता हूँ अब तो एसोसिएशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंस ऑफ द क्लासेज स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया एक क्लास class, दो क्लासेस बनी हुई है दो क्लासेज के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया तो यहाँ पे एसोसिएशन आएगा स्टूडेंट कोर्स हैव सम स्टूडेंट, अगेन टू क्लासेज कोर्सेज एंड द स्टूडेंट हैव सम एग्जाम आल्सो, तो यहाँ पे कोर्स के साथ कुछ एग्जाम भी होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इट एसोसिएशन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंस ऑफ द्लासेज ओके एसोसिएशन हैव टू एंड एसोसिएशन के दो एंड होते हैं अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ सपोज दिस इज ए सपोज दिस इज ए क्लास स्टूडेंट हैविंग नेम रोहित हैविंग एन एसोसिएशन रोहित एंड दिस इज एन कोर्स रोहित ऑप्टेड कोर्स रोहित ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया रोहित ऑप्टेड कोर्स कोर्स यहां पर यहां पे क्या कर देता हूं बीटेक दिस इज बीटेक अब ये एक ऑप्शन हो एक क्लास और इस क्लास के बीच में कैसे एसोसिएशन है रोहित ऑप्टेड कोर्स बीटेक इन कोर्सेज देर आर डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे कई सारे कोर्सेज होंगे तो इसका एक दूसरा इंस्टेंस मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ एक और दूसरा है बी की जगह यहाँ पे एम टेक एम टेक दिस इज द एस सी ओके अब कोई दूसरी क्लास है उसने क्या काम किया ऑप्टेड एम टेक नेक्स्ट क्लास ऑप्टेड बी एस सी ऑल्सो तो यहाँ पे ये एसोसिएशन के थ्रू आप बता सकते हो रिलेशनशिप एसोसिएशन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंस ऑफ द क्लास ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए नौ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिंक एन एसोसिएशन एसोसिएशन को हम इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया ए इज अ क्लास बी इज ए क्लास ये क्लास डाइग्राम के थ्रू में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन एसोसिएसन अब अगर मैं ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं इसको तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से ऑब्जेक्ट डायग्राम को यहाँ पे मैं एक लिंक बनाऊंगा तो देखो एक बात क्लियर हुई जब मैं दो क्लासेज के बीच में बात कर रहा हूँ तो मैं एसोसिएशन दिखा रहा हूँ जब मैं क्लास डायग्राम की जगह ऑब्जेक्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो मैं लिंक के थ्रू बता रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे लिंक हैं इसके यही है, सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पर्सन एंड द कंपनी कंट्री एंड द कैपिटल सिटी वर्क स्टेशन एंड विंडो कई सारे एग्जाम्पल आप जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हो उसने एग्जाम्पल आपको यहां पे मिलेंगे पर्सन वर्क फॉर इन कंपनी लाइक एसोसिएशन एंड नेम यहां पे जैसे एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया अ पर्सन यहां पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ पर्सन राम एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी नेम इिस अब इसमें क्या हो रहा है ये जो ये जो है राम जो है राम वर्क्स फॉर इन्फोसिस यहाँ पे एसोसिएशन हो गया तो यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ दिस राम इज़ एन एम्प्लॉय अगेन इन्फोसिस इज़ अ कंपनी इट्स एन एम्प्लॉयर तो यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ एसोसिएशन एंड नेम को भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि राम वर्क्स फॉर इन्फोसिस यू और यहाँ पे एक एक बात और नोटिस करी आपने लोगों ने कि यहाँ पे मल्टीप्लीसिटी को भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे बना हुआ है एस्ट्रिक एंड यहाँ पे जीरो टू वन तो ये चीज़ें आपको एसोसिएशन एंड नेम भी यूज़ करना जरूरी है यूज ऑफ एसोसिएशन एंड नेम इज ऑप्शनल ऑल्दो इट इज ऑप्शनल बट इट इज ऑफ इन ईजियर एंड लेस कन्फ्यूजिंग टू असाइन एसोसिएशन एंड नेम इंस्टेंट ऑफ और इन एडिशन टू एसोसिएशन नेम तो यहाँ पे अगर आप एसोसिएशन एंड नेम यूज कर रहे हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि क्या है बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पिक्चर है कि किस तरीके से राम वर्क फॉर इन्फोसिस और ये एम्प्लॉय है ये एम्प्लॉयर है क्लियर हो गया यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है एसोसिएशन क्लासेज एन एसोसिएशन क्लास इज यूज टू मॉडल एन एसोसिएशन एज अ क्लास एसोसिएशन क्लासेज ऑफ इन अकर मैनी टू मैनी

Association it is an association in which an attribute called qualifier the object fro, for a many Association and a qualifier select among target object reducing the effect effective multiplicity from many to one and specify a precise path for finding the target object from the source object example qualified एसोसिएशन में क्या करते हैं विदाउट द क्वालिफायर अगर मैं क्वालिफायर यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा देखिए दिस वन कस्टमर हैविंग सम कस्टमर हैविंग प्लेस सम ऑर्डर यहाँ पे कस्टमर ने कुछ ऑर्डर प्लेस किए विदाउट द क्वालिफायर मैंने इसको यूज करके दिखाया यहाँ पे बट मैं जब क्वालिफाइड एसोसिएशन का यूज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कस्टमर हैविंग सम ऑर्डर नंबर यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर भी मैंसन कर दिया दिस इज द विद द क्वालिफायर दिस वन यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर मैंसन कर दिया प्लेस सम दिस प्लेस सम ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर नंबर इंटीजर में आ गया क्वांटिटी आ गई इंटीजर में और ऑर्डर डेट आ गई देन दिस इज नोन एज द क्वालिफाइड एसोसिएशन क्वालिफाइड एसोसिएशन से हमें क्या मिलता है यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हमें रिप्रेजेंट हो रही है कि किस तरीके से आ, हमने ऑर्डर प्लेस किया जबकि इसमें विदाउट क्वालिफायर कस्टमर प्लेस सम ऑर्डर कस्टमर प्लेस सम ऑर्डर खत्म इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है लेकिन हमने जब क्वालिफाइड एसोसिएशन यूज किए तो हमारे सामने देखिए सारी डिटेल है अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं क्वालिफाइड एसोसिएशन क्या होता है बैंक हैविंग सम अकाउंट अकाउंट बैंक एंड आर द टू दिस दिस इज है क्लास दिस इन दिस एंड नॉट क्वालिफाइड इनके बीच में क्या है हमने कुछ भी नहीं हम बता बता सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क है अगर हम क्वालिफाइड यूज करें एसोसिएशन तो यहाँ पे मैं किस तरीके से इस क्वालिफाइड एसोसिएशन को यूज करूंगा बैंक हैविंग सम अकाउंट नंबर बैंक का कुछ पास कुछ अकाउंट नंबर और ये अकाउंट नंबर यहाँ पे अगर जैसे ही मैं लिखता हूँ तो किस में आ गया क्वालिफाइड में आ गया यूएमएल क्लास डायग्राम इस डायग्राम के थ्रू ये क्या डायग्राम है इस डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ कि ओवरऑल पिक्चर कैसे आपको ड्रॉ करना है यू डायग्राम कैसे बनाना है यू एम ये ओवरव्यू है कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हमने यू की स्टडी की थी तो अब बेसिक दिस इज एम एल क्लास का एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने एक दिस इज ए क्लास कस्टमर दिस इज एन ऑर्डर एंड दिस इज़ ए पेमेंट कस्टमर और ऑर्डर के बीच में जो एक क्लास है पेमेंट अब कस्टमर ने कुछ क्या कुछ नेम एड्रेस और कुछ ऑर्डर प्लेस किए यहाँ पे ये एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके साथ में ये जो है कैलकुलेटर टोटल वेट ये टोटल वेट कैलकुलेट करना ये इसके ऑर्डर की ऑर्डर क्लास का फंक्शंस हैं ऑर्डर क्लास के कुछ वेरिएबल डेट है उस स्टेटस हो गया इसके नेम और एड्रेस यहाँ पे हो गया एट्रीब्यूट इसके डेट और स्टेटस हो गए यहाँ पे दीज आर द थर्ड पोर्सन ऑफ द क्लास फंक्शंस अब यहाँ से मैंने एक पेमेंट क्लास है जिसको कैसे मैं यहाँ पे ये जो एसोसिएशन दिखा रहा है अब देखिए इसके साथ में जनरलाइजेशन और मल्टीप्लिसिटी हम कैसे यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेमेंट हुआ था इस क्लास में ये जो पेमेंट हुआ है इसमें पेमेंट कैन बी है एनी मोड पेमेंट किसी मोड में भी हो सकता है आइदर इन क्रेडिट आइदर इन कैश और चेक तो यहाँ पे तीन क्लास मैंने ली हैं फर्स्ट इज द क्रेडिट सेकेंड वन इज़ द कैश एंड थर्ड वन इज़ द चेक इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके थ्रू एक जनरलाइजेशन व्यू के थ्रू दिस इज दिस और ये जो सिंबल है ये जो सिंबल है इसको इसको क्या कहते हैं जनरलाइजेशन कहते हैं इसके थ्रू मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा अब ये इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा यूएमएल डायग्राम है इसमें क्या है मल्टी ऑर्डर डिटेल है और आइटम है ये इनके बीच में मैं मल्टीप्लीसिटी दिखा रहा हूँ कि ये ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो वन ये क्या शो करता है मल्टीप्लिसिटी वैल्यू मल्टीप्ल मल्टीप्लिसिटी वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ये रोल प्ले करेगा ये ये यहाँ पे यहाँ पे रोल नेम लिख दिया आपने तो बेसिकली आपके पास जो भी क्लास डायग्राम होगा उस क्लास डायग्राम को यू एम क्लास डायग्राम से आप यहाँ पे टोटल रिप्रजेंट कर, करा सकते हैं कि, कि किस तरीके से आपने क्रिएट किया है और आपका जो लॉजिक है क्लास डायग्राम का वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है तो इसमें आप जनरलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं और ये एसोसिएशन भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीसिटी भी यूज कर सकते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास डायग्राम ये मान मालूम मैं आपको जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है द दीज डायग्राम आर मोर क्लोज टू रियल लाइफ सिनेरियो वेयर आर वी इंप्लीमेंट सिस्टम ऑब्जेक्ट डायग्राम आर a सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड their रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक क्लास डायग्राम they also रिप्रेजेंट द static व्यू ऑफ द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट Means जब भी मेरे पास कोई भी क्लास है मैंने उसका ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाना है तो उस क्लास का मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन भी डिस्क्राइब विद इंस्टेंस ऑफ द क्लास डायग्राम सब लोगों को पता है इस तरीके से होगा अब ऑब्जेक्ट डाइग्राम हम बनाएंगे कैसे तो देखिए फॉर्मेट क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट uh, नोटेशन का यहाँ पे फॉर्मेट एज इंस्टेंस नेम जो भी इंस्टेंस क्रिएट किया है आपने उस क्लास का एट्रीब्यूट एंड वैल्यू एंड इसके इसको कैसे बताएंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखिए यहाँ पे ये क्लास है और इसमें क्या है मेन्यू विंडो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है इसका इसके क्या कौन कौन से विजिबल पोजिशन एंड साइज विजिबिल ये इस तरीके से यहाँ जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया आ ये लेवल क्या है क्लास का नाम ये ये हो गया आपने जो भी इंस्टेंस क्रिएट किया था क्लास का नाम हो गया एट्रीब्यूट ट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू इधर आ गए तो इस तरीके से आप यू ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं बना सकते हैं यू ऑब्जेक्ट नोटेशन को ये ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट के नोटेशन हैं और ऑब्जेक्ट फाइनली ऑब्जेक्ट डाइग्राम अब ऑब्जेक्ट डायग्राम आप कैसे बनाओगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट डायग्राम बनेगा क्लास डायग्राम में आपने देखा था ये ये था क्लास डायग्राम क्लास डायग्राम। अब आता ये क्लास डायग्राम था इसके बाद आता है फाइनली ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम। दिस इज नोन द ऑब्जेक्ट डायग्राम यहाँ पे आपने एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं दैट कंपनी इज सी और कुछ डिपार्टमेंट हैं इस कंपनी देखिए इसमें इस, इस कंपनी में एक डिपार्टमेंट डी वन है और एक डिपार्टमेंट है डी टू डिपार्टमेंट डी वन हैविंग सेल एंड डिपार्टमेंट डी टू हैविंग नेम आर एंड डी ना थर्ड थर्ड ऑब्जेक्ट में भी डिपार्टमेंट department D3 नेम as the US sale सेल एंड person पर्सन पी दिस नेम एम्प्लॉय एंड टाइटल एंड इसको मैं यहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ दिस दिस इज नोन एट द एनोनीमस ऑब्जेक्ट एनोनिमस ऑब्जेक्ट ये एट्रीब्यूट यहाँ पे एट्रीब्यूट यह, शो कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पर्सन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं नेम है एम्प्लॉई है टाइटल है और इधर भी ये एट्रीब्यूट की वैल्यू को शो कर रहा है आर एन डी को यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है सेल्स है तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट डायग्राम आपने बनाया और ऑब्जेक्ट डायग्राम ये इस इस तरीके से लिंक रहते हैं आपस में बेसिकली ऑब्जेक्ट डायग्राम होता क्या है ऑब्जेक्ट डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब एज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास बेसिक फंडा ये है कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं इट इज़ बेसिकली इंस्टेंस जब आप कोई क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जहाँ जैसे ही आपने उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया अब आप ऐसा बोलोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन में जैसे ही आपने उस क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट किया इंस्टेंस तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया सपोज अ क्लास ऑफ पर्सन पर्सन इज अ क्लास ये एक क्लास है, है अब पर्सन क्लास के अंदर कई सारे वेरिएबल हैं फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने इस क्लास का इस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या आप कह सकते हो एक इंस्टेंस क्रिएट किया तो एक जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट करोगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा क्या है गया इसका पी वन इज एन ऑब्जेक्ट अब ये क्या है इस पी वन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस क्लास के अंदर इसके पब्लिक और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाली स्लाइड्स में ये जो पर्सन है अब मैं इसकी अब यहाँ पे मैं उस टर्म्स में बता रहा हूँ क्लासेज के फॉर्म में ये मैंने सपोज करो ये एक क्लास थी इसको मैंने यहाँ पे किया क्लास नेम इ पर्सन रोहित एक रोहित क्लास बना दी दूसरी क्लास दूसरी क्लास मैंने डिफाइन की दूसरी क्लास मैंने डिफाइन की एंड दैट क्लास विल बी कंपनी एक एक ये है एक कंपनी बनाई मैंने कंपनी इस कंपनी क्लास में मैंने दोनों क्लास में एक एसोसिएशन दिखा दिया रोहित वर्क्स फॉर विप्रो वर्क फॉर तो ये इस तरीके से मैंने इनके बीच में एसोसिएशन फॉर्म कर दिया तो ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब एज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास डायग्राम दीज डायग्राम आर मोर क्लोज टू रियल लाइफ सिनेरियो एंड वेयर वी इम्प्लीमेंट द सिस्टम एक्चुअली जैसे इंप्लीमेंटेशन होता है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू हम इम्प्ली शो uh, कर सकते हैं यू एम एल ऑब्जेक्ट नोटेशन मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट क्या होता है ये आपने देख लिया नाउ ऑब्जेक्ट डायग्राम इसकी बात मैंने आपको बता दी डिटेल में स्टडी आपने की थी कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट डायग्राम बना और ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम अगर आपने सीख लिया तो फिर आप यू डायग्राम में कंफर्टेबल होंगे दीज आर द सम रेफरेंसेज अगेन जेम्स रैमबॉग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग टेक्निक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्लाइड थैंक यू